बोला सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए गई जवाबदारी आप बंधु का। और अगर जिला जनपद के चुनाव वही है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़ैया हुए तो हुलाज यहां से क्लियर कर दो, हम नुकरोवट तैयार बिछेन, हम आपके जो आदमी आप धूल हम मान के अपन नेता मान के ऊपर लिए काम करबो प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ, आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे हो, अभी अमर जैन साहब कहात रही से जब सत्ता नहीं रही से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारत रही से कहात रही से नहीं नहीं अध्यक्ष जी मोर मन के पीड़ा है। अब आखिर बात में आप लोग क्यों निष्कासन कर 5 साल बहुत सारे नेता मन के हमन चिंतन करें मनन करें कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर कोई बुला रही इनका चिंतन मनन करे बर एवं कमरे में बैठ के चिंतन और मनन लगते थे कावा हरन आप मैं ये बात कभी स्वीकार करता हूँ डंके चोट पे की थो। आज अगर पूरा देश में आज 3100 रूपए अगर धान भाजपा भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी का, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि मोर परिवार के 5 साल में एक ठन काम ला मन कोई करे हो बता दे मैं मन से उतर के चल दू कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहु बेटा के कोई ट्रांसफर है मोर कोई काम है मोर कोई तकलीफ है कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया आज एक चीज और देखने मिली या नया नया फोटो देखने मिली 5 साल पहले हमारे नवा नवा फोटो देखने मिले एक ढंग के फोटो देखने मिले वो नेता कहा है और अतेक बड़का नेता है 5 झन जो क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बुलाओ आप लोग चुनाव के इस्तेमाल कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो आप लोग मोर निष्कासन के अधिकार है आप मोर निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम करूं अक्की कहते हुए मैं आपके कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहूं लेकिन मौका इसे मिले नहीं मौका कभी मिलीस नहीं 5 साल हम तुम्हारे तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। मैं अगर कोई मोर से गलत बात कहे हूँ तो मैं आपसे माफी चाहते हुए सब कार्यकर्ता एक बार प्रणाम करते हुए कि मोला आप बहुत सहयोग और सम्मान दे मैं आपसे हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते हुए अपन बात खत्म कर। अगला उद्बोधन के लिए सम्मानित